देखिए, जो शहद होता है वो धन को आकर्षित करता है अपनी ओर, और सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है धन को आकर्षित करने की वो शहद में मानी जाती है। और शहद रखने से भगवान श्री कृष्ण भी खुश होते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी खुश, माँ अन्नपूर्णा खुश, और भगवान श्री कृष्ण भी आपसे खुश है। और जिंदगी में आपको क्या चाहिए? ऐसे में आपके घर में हमेशा पैसे रहेंगे, सुख समृद्धि रहेगी, संपन्नता रहेगी, आपसी कलह नहीं होगा, घर में कोई दरारें नहीं आएंगी, साथ ही साथ जो आपका बिजनेस है वो भी दिन दोगुनी रात चौगुनी करेगा। दोस्तों, किसी भी घर की बरकत का बहुत बड़ा हिस्सा उस घर के रसोई घर पर आधारित रहता है। अगर रसोई घर के वास्तु को, यानी कि किचन के वास्तु को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। देखिए, घर में जो सबसे जरूरी चीज है जिसका आशीर्वाद सबसे बड़ा माना गया है वो है माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माँ। अगर आप वास्तु के नियमों का पालन कर लेते हैं, रसोई घर के किचन के वास्तु को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो माँ अन्नपूर्णा भी आपसे खुश रहेंगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी। तो ऐसे में चलिए बात करते हैं रसोई घर से जुड़े कुछ ऐसे वास्तु की जिनके चलते आपको ध्यान रखना है। और आपको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इन चीजों की घर में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी कमी होती है तो आपके किचन का वास्तु खराब हो चुका है, घर की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इन चीजों की पूर्ति कीजिए और माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी को खुश कीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहली चीज आती है वो है घर में शहद। देखिये, जो शहद होता है वो धन को आकर्षित करता है अपनी ओर, और सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है धन को आकर्षित करने की वो शहद में मानी जाती है। और शहद रखने से भगवान श्री कृष्ण भी खुश होते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी खुश, माँ अन्नपूर्णा खुश, और भगवान श्री कृष्ण भी आपसे खुश हैं। और जिंदगी में आपको क्या चाहिए? ऐसे में आपके घर में हमेशा पैसे रहेंगे, सुख समृद्धि रहेगी, संपन्नता रहेगी, आपसी कलह नहीं होगा, घर में कोई दरारें नहीं आएंगी, साथ ही साथ जो आपका बिजनेस है वो भी दिन दोगुनी रात चौगुनी करेगा। तो किचन में शहद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, दूसरी चीज पर हम बात करेंगे वो है आटा। देखिए, कभी भी किचन से यानी कि रसोई घर से आटा खत्म नहीं होना चाहिए। आप दो या तीन दिन पहले हिसाब लगा लीजिए कब आटा खत्म होगा, उससे पहले लाकर रख लीजिए। अगर आपके घर में बिल्कुल आटा खत्म हो गया है एक घंटे के लिए या फिर एक मिनट के लिए भी नहीं है तो भी वास्तु दोष माना जाता है। माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी, जो बरकत है वो आपकी रुक जाएगी, घर में कलह होने लग जाएंगे, साथ ही साथ जो आपकी धन संपत्ति है उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो या फिर आप खुद खाना बनाते हैं या फिर आपके कोई खाना बनाने वाला आता है उसको बोल दीजिए आटा खत्म होने के करीबन एक सप्ताह पहले आपको इन्फॉर्म कर दे, जिसके चलते आपको इस वास्तु दोष को ना दोहराना पड़े। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नमक की। देखिए, नमक घर में बहुत ज्यादा जरूरी होता है और नमक बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन पर राहु हावी है, राहु उनके वास्तु में, उनके जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ ना कुछ खराब चीजें लेकर आ रहा है, ऐसे में नमक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि राहु को अगर कोई वश में कर सकता है, राहु की समस्या से कोई निदान दे सकता है तो वो है नमक। तो ऐसे में घर में कभी भी नमक खत्म ना हो पाए। दोस्तों, तीसरी चीज पर हम बात करेंगे गाय के घी की। देखिए, पहले लोग गाय पालते थे, गाय को बहुत ही धार्मिक जीव माना जाता है, साथ ही साथ घर में सकारात्मकता लेके आती है, पॉजिटिविटी बढ़ाती है, सुख संपत्ति लेके आती है। लेकिन ऐसे में अब इस वक्त घरों में गाय रखना थोड़ा मुश्किल हो गया है तो आप घर में गाय का घी रख सकते हैं। गाय का घी भी जिंदगी में खुशियां लाता है और गाय का घी संपन्नता का प्रतीक है। दोस्तों, आपको क्वांटिटी बेस नहीं रखना। अगर आपके घर में कोई सेवन नहीं कर रहा है गाय का घी का, पहले तो मैं कहूंगा गाय का घी का आपको सेवन करना चाहिए, बहुत ही हेल्थी है। अगर कोई सेवन नहीं करता है तो आप 100 ग्राम, आधा किलो, एक किलो, जितना आप रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, लेकिन रसोई घर में गाय का घी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं साबुत धनिया। देखिए, साबुत धनिया माता लक्ष्मी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 महीने आपकी रसोई घर में साबुत धनिया होना चाहिए। अगर आप साबुत धनिया अपने किचन में रखते हैं, रसोई घर में रखते हैं, किचन के वास्तु को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो साबुत धनिया पैसे के मामले में, माता लक्ष्मी को खुश करने के मामले में, किचन के वास्तु के मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो साबुत धनिया रसोई घर में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साबुत हल्दी की। देखिए, वैसे तो माना जाता है कि घर में साबुत हल्दी होनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता तो आप पिसी हुई हल्दी भी रख सकते हैं। लेकिन अगर साबुत हल्दी है तो उसके फायदे ज्यादा है। माता लक्ष्मी खुश रहेगी, घर में रौनक बनी रहेगी, आपसी कलह नहीं होंगे, रिश्तों में मिठास होगी, आपका पैसा आपके पास स्थिर रहेगा, साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड
आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है पानी के मटके का। देखिए जो पानी का मटका है वो संपन्नता का प्रतीक है, आपके घर में होना चाहिए, साथ ही साथ पॉजिटिविटी लेके आता है और ज्यादा खर्चा भी नहीं है। पानी का मटका 40 से 50 रुपए का आ जाएगा। अगर आप सेवन भी नहीं करते मटके का पानी का, देखिए सबसे पहले तो सेवन करना चाहिए। मटके का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्रिज के पानी से तो लाख गुना ज्यादा अच्छा। अगर आप सेवन नहीं कर रहे तब भी किचन में मटका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मनपूर्णा की खुशी के लिए, माँ लक्ष्मी की खुशी के लिए मटका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों अंत में मैं बात करूंगा माँ अन्नपूर्णा के फोटो की। देखिए आपके रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का एक चित्र जरूर होना चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी का भी चित्र चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन माँ अन्नपूर्णा का चित्र बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको याद रखना है माँ अन्नपूर्णा का और माँ लक्ष्मी का अगर आप चित्र लगा रहे हैं तो उस चित्र में वो खड़ी ना हो, वो हमेशा बैठने की अवस्था में हो। ऐसा माना जाता है अगर माता के चित्र में वो खड़ी है तो आपके घर में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, वो ले जाएंगी। तो ऐसे में जो चित्र है वहां पर वो मुस्कुराती हुई नजर आनी चाहिए और बैठी हुई, जिससे कि आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये वो बातें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है अगर आप किचन के वास्तु से परेशान हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी रुकावटें आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं सबसे अच्छा उपाय आपको कौन सा लगा और आप कौन सा सबसे पहले फॉलो करना चाहते हैं और आपके किचन में कौन सी चीज आप हमेशा 12 के 12 महीने पा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।